खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। सुबह 9 बज चुके हैं और अब वक्त है आपको दिखाने का इमरान खान की पूर्व पत्नी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर खुलासे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हम चाहते हैं कि आप वो जान लें। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच एक बड़ा झटका भारत को लगा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत को यह झटका दिया है इस लिहाज से कि भारत ने ओलंपिक का आयोजन कराने का जो भारत का पुराना सपना है, जिसके लिए लंबे वक्त से भारत जद्दोजहद कर रहा है, एक प्रयास कर रहा है, वो टूटता दिख रहा है। फिलहाल के लिए भारत में शूटिंग का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों को भारत सरकार ने वीजा नहीं दिया, जिसके बाद ओलंपिक कमेटी ने भारत के दावे पर कोई बातचीत नहीं करने का फैसला फिलहाल के लिए लिया है। मतलब आसान भाषा में अगर आपको बताएं तो ओलंपिक से जुड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन भारत में होने की उम्मीद फिलहाल तो नहीं दिख रही है। हमारे खेल संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए। कुंतल, क्या ये हाल फिलहाल के लिए एक बड़ा झटका है या फिर हम ये कहें जी लंबी जद्दोजहद, कई महीनों के प्रयास के बाद जो सपना पूरा होता दिख रहा था वो टूट गया? नहीं नहीं, फिलहाल के लिए बड़ा झटका है आपको ऐसा कहना चाहूंगा, क्योंकि ये ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है ऐसा ओलंपिक कमेटी का कहना है। और ओलंपिक कमेटी का कहना है कि पॉलिटिकल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, कोई भी ओलंपिक खेल के साथ अगर जुड़ा है ये कोई भी इवेंट। तो ये वर्ल्ड कप शूटिंग के दौरान अगर जब पाकिस्तानी शूटर्स को वीजा नहीं दिया गया तो ओलंपिक कमेटी का कहना था कि ये पॉलिटिकल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो किया गया वो सही नहीं था। तो इस वजह से अभी भारतीय कोई भी स्पोर्ट जो कि ओलंपिक के साथ जुड़ा है, ये शूटिंग हो, स्विमिंग हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुछ भी इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट फिलहाल भारत में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ओलंपिक संघ ने कह दिया कि जब तक भारत सरकार ओलंपिक भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से एक चिट्ठी ना लिखे ओलंपिक कमेटी को कि डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आगे बंद किया जाएगा, अगर ऐसा कोई अश्योरेंस आता है तो फिर ओलंपिक संघ फिर से भारत को ये मौका देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी इवेंट ओलंपिक के साथ जुड़ा हुआ कोई भी इवेंट भारत में नहीं खेला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका कुंतल, आप लगातार बने रहे, आगे भी अपडेट इस पूरे मामले में आपसे हम लेते रहेंगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।